Good evening, everyone. My name is Alunda. Today I am going to present my topic, method of light cultivation. सबसे पहले अपन अगर देखें तो जो लाइव इंसेप्ट है उसका वर्णन हमारा जो महाभारत काल के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर जो कौरव थे और उन्होंने 1 लाख स्कर बनाया था और पांडवों को विचलित करने के लिए उनके उसके अंदर 1 लाख स्कर के अंदर पांडवों को रखा गया था और पांडव वहां से बस करके निकल भी गए थे। ठीक है, और अर्थवेद के अंदर भी इसका जो वर्णन है वो मिलता है, ब्लैक इंसेक्ट है, इसके बारे में काफी जगह इसका रिसर्च किया गया है। तो जो ब्लैक इंसेक्ट है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली किस प्रकार इम्पोर्टेंट है और इसको हम किस प्रकार कल्टीवेट कर सकते हैं और इसका मतलब हम एज ए क्रॉप के रूप में इसको बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका कैसे मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसका कल्टीवेशन होना ज़रूरी है। तो जो लैक इंसेक्ट है इसका जो साइंटिफिक नेम है लेसिपर लाका या कैरियर लाका, लेकिन इंडिया में जो मेन स्पीसीज पाई जाती है वो होती है लेसिपर लाका की स्पीसीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो 4-5 स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप है इसका ट्रीज का सिलेक्शन करना, मतलब कौन कौन से ट्री है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रूनिंग ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, तीसरा स्टेप इसका है इंकोलेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, ऑफ प्लांट का इंकोलेशन करेंगे और उसके बाद में रिमूविंग ऑफ यूज ऑफ ब्रॉड लेग स्ट्रिक। ठीक है, जो ब्रॉड लेग स्ट्रिक है उसको कैसे उसको वापस हटाना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो बना बना है मटेरियल उसको अपने मतलब ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। ये 5 स्टेप होते हैं। तो चलो अपन ट्रीज के सिलेक्शन से बाहर शुरू करते हैं। ट्रीज के सिलेक्शन करने के लिए सब जो ट्री मतलब ग्रुप के अंदर हो, मतलब या तो सीधे मतलब प्लांट्स मैदानी क्षेत्र के अंदर हो या फिर छोटे मोटे पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर वहाँ जो ट्रीज होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये क्रॉप होती है ना, 2 प्रकार की क्रॉप होती है, एक तो रेनी सीजन के मतलब एक रेनी सीजन वाली क्रॉप होती है, दूसरी होती है समर क्रॉप। तो रेनी समर क्रॉप होती है उसके लिए मतलब छायादार पौधे चाहिए, कैनोपी जो ट्री होती है, डेंस कैनोपी वाले ट्रीज होते हैं वो, और जो वाटर की उपलब्धता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, समर क्रॉप के लिए, और रेनी सीजन वाले के लिए क्या होना चाहिए कि ओपन खुला एरिया होना चाहिए और आइसोलेटेड ट्रीज परफेक्ट फॉर रेनी सीजन क्रॉप। तो खुला एरिया होना चाहिए और ट्रीज एकदम आइसोलेटेड होनी चाहिए, दूसरे ज़्यादा छटे हुए नहीं होने चाहिए, और छटे हुए होंगे तो रेनी सीजन वाले क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, दूसरा स्टेप है उसके बाद ये कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, प्लास का ट्री, कुसुम का ट्री और बेर और एक शेरबी का जो होता है बबूल का ट्री और बहुत सारे खेर है, अरहर है, इन सब पे इस प्लांट को सॉरी इस इंसेक्ट को ग्रो करवाया जा सकता है और उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन करवाया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग का मतलब क्या है कि मतलब जो प्लांट होता है उसको अच्छे से तैयार करना, उसके ऊपर जगह फिक्स करना कि हाँ भाई यहाँ इस जगह पर मतलब एक काट के जगह फिक्स कर दी, इस जगह पर जो लैग का ब्रूड लैग जो होता है एक तरह से आप सीड कह सकते हो लैग, उसको वहाँ यहाँ लगाया जाएगा। उसके लिए जो इनोकुलेशन करते हैं, इनोकुलेशन से 6 मंथ पहले इस चीज में करना पड़ता है। समर जो समर क्रॉप होती है उसके लिए नॉर्मली अप्रैल के अंदर कराया जाता है प्रूनिंग, और जो रेनी सीजन और क्रॉप होती है उसके लिए अभी फरवरी में किया गया था प्रूनिंग के। ठीक है, काट के फिक्स जगह फिक्स कर ली भाई यहाँ
इसको अपन को क्लोनिंग करना है, सॉरी मतलब वो इनोकुलेशन करना है, ठीक है। अब जैसे इससे वो पेड़ अच्छे से तैयार हुआ, अपने काट के एक जगह फिक्स कर लिए हैं, अब करना है जस्ट 6 मंथ बाद उसको मतलब इनोकुलेशन करें। अब होस्ट प्लांट पे इनोकुलेशन किस प्रकार, 3 दिन के होते हैं जो इनोकुलेशन करने के। इनोकुलेशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास ब्रूडलेग ब्रांड है, बंडल है, ब्रूडलेग बंडल जो है उसको जो होस्ट प्लांट है उसकी ब्रांच पे चिपका देना, ठीक है, लगा देना, मतलब जो एकदम जहाँ से हमने प्रूनिंग किया था, जहाँ से काटा था वो एकदम अच्छे से क्या उसका एकदम रसीला सूट हो गया है, उस सूट पे उसको लगाया जाएगा, ठीक है। कैसे लगा सकते, 3 तरीके होते हैं। एक तो वैसे उस पर बांधेंगे, टाई करने कैसे बांधते हैं लॉन्गिट्यूडल, एक तो आप सीधा प्लांट है इसको ऐसे बांध, दूसरा ऐसे बांध, तीसरा है मतलब ये इंटरलैक, मतलब जो ब्रूड लैक जो बंडल है उसको जो प्लांट की ब्रांचेज है उसके बीच के अंदर ऐसे बांधो, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं। इनोकुलेशन हो गया, अब जैसे इनोकुलेशन होता है, इनोकुलेशन होने के 10-15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद क्या करना है, वो ब्रूड लैक स्टिक होती है, छड़ियां होती छोटी छोटी, उस जिसके ऊपर आपके लैक के इंसेक्ट के सीड थे उनको वहां से हटाना होगा। अगर नहीं हटाया तो क्या होगा, नहीं हटाया गया तो ये जो ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे और एक स्टिक के लिए कंपटीशन हो जाएगा फिर, तो कंपटीशन कहीं भी कह रहे हैं, कंपटीशन कहीं भी होता है तो वो हानिकारक होता कंपटीशन होता। तो इनोकुलेशन के 10-12 दिन बाद इसको यहाँ से हटा लो, जैसे ये लार्वा स्टेज में आते हैं ब्रूडलेग स्टिक हटा लो, और मैक्सिमम आप 20 दिन तक, 20 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ से हटाना होता है ब्रूडलेग स्टिक को, ठीक। उसके बाद जैसे ये पकते हैं तो उसके बाद पकने के बाद उनको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्ट इसको 2 तरीके होते हैं, एक तो जो होता है, एक तो इमेच्योर समर क्रॉप होती है और मैच्योर क्रॉप होती है। मैच्योर क्रॉप होती है जो इमेच्योर जो समर क्रॉप होती है उसको तो मतलब कभी भी काट सकते हो, जैसी वहाँ पे अच्छे से पपड़ी बनी आप उसको काट लिया, पपड़ी काफ़ी अच्छी वाली पपड़ी बन गई, ठीक है, तो आपने वहाँ से उसको हटा लिया और आगे प्रोसेसिंग के भेज लीजिए। और जो बाकी जो मैच्योर होती क्रॉप होती है उसको आप अक्टूबर या नवंबर के अंदर क्रॉप को हार्वेस्ट करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें टाइम दिया।